अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। मैं सवाल कर रहा हूँ, इसका उर्दू में भी और इंग्लिश में भी बताना। जलसे जुलूसों एहतजाजों पर इखराजात ज्यादा है रहनुमाओं उलमा समेत, लेकिन गरीबों के लिए उसमें क्या है? गरीबों के लिए उसमें से क्या हिस्सा रखा हुआ है? जलसे जुलूसों ललकरे नाच को देखिए। भाईजान आपका नाम क्या है? जी मोहम्मद मुश्ताक साहब, आप से मैं पूछना ये चाह रहा था कि जिन जुलूस और जलसों की आप निशानदही कर रहे हैं वो कौन से जलसे और कौन से जुलूस हैं। तो इंशाल्लाह मैं ये ब्रेक का वक्त है, नमाज मगरब की ब्रेक है, इंशाल्लाह इसके बाद आप देखते रहें और इंशाल्लाह आपका ये जो सवाल है और कॉमेंट है इस पर इंशाल्लाह मैं ज़रूर जवाब दूंगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Muhtaram Nazreen, welcome back to Your Questions Answered. I'm your host, Dr. Omar Al-Qadri, today in this program. Hamare break pe jane se qabl hame ek bhai ne Birmingham se ek sawal jo hai kiya tha, wo jalse jaloos par jo kharcha zyada hota hai wo keh rahe the, farma rahe the. To wo farma rahe the ki ye ek taraf se ghareeb hai, miskeen hai, faqeer hai duniya mein aur ghuraba hain, to un par kharch kiya jaye agar ye paisa तो वो ज्यादा बेहतर होगा। तो वो मेरे ख्याल में शायद जो बात कर रहे थे वो उस इस तरफ जो है उनका इशारा था। तो इस ज़मन में मैं एक तो पहले अर्ज करना चाहूंगा कि वो अच्छा होता कि अगर मुझे बता देते कि वो किन जुलूसों की बात कर रहे हैं। बर्मिंगम से हैं और जुलूस की बात कर रहे हैं तो मेरे जहन में तो खैर एक ही जुलूस है और एक ही जलसा है। तो बहरकैफ आप इस जुलूस पर, यानी जो जुलूस हजूर अलैहिस्सलाम के मिलाद की खुशी में अगर मनाया जाता है और हुजूर की विलादत की खुशी में मनाया जाता है, वहां ये इतराज करते हैं कि वो खर्चा, वो पैसे वो खराजात अगर गुरबा पे खर्च होते, सरफ होते, वो ज्यादा अच्छा होता। तो मेरा सवाल है, सवाल सादा सा है, वो ये है कि जब हज पे जाते हैं तो 4,000 pounds एक शख्स पे लगाता है और दो मियाँ बीवी जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, पूरा कुंबा जा रहा है, तो सवाल करने वाले ये भी तो सवाल करते हैं कि कितना अच्छा होता कि वो बजाय इसके कि वो 4,000 pounds वो हज पे जाकर वो लगाए, वही 4,000 pounds गुरबा को देते, कितनी बच्चियों की शादियां हो जाती। जब आप जिबा करते हैं ना, मैंने खुद ये इतराज सुना एक जमाने में, मैं इसकी तरफ अभी आता हूँ। हमारे साथ अख्तर साहब हैं, उनसे बात करेंगे इंशाल्लाह, फिर इसकी तरफ आएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं जनाब? अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब ये सवाल था कि कुछ उलमाए किराम कहते हैं कि दाढ़ी एक मुश्त ना हो तो वो दाढ़ी नहीं कहलाती है, और हमारे नजरिए एक मुश्त दाढ़ी वाजिब है। तो ये बात कहाँ तक सही है कि एक मुश्त नहीं है तो ये दाढ़ी गिनती नहीं होती है? अब दोबारा जरा दोहराइए, मुझे समझ नहीं आई। वो एक मुश्त अगर दाढ़ी आपके पास नहीं है तो वो दाढ़ी नहीं है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह खैर, इंशाल्लाह इसका जवाब देंगे। तो हमारे जो बर्मिंगम से भाई थे जलसों जुलूस पर इतराज करने वाले, मैं उन्हें समझा रहा था, अर्ज कर रहा था और बाकी लोगों की भी नजर कर रहा हूँ कि मैंने खुद जाती तौर पर डबलिन आयरलैंड में मैंने चंद साल पहले किसी एक डॉक्टर साहब से सुना, वो मेडिकल डॉक्टर थे, मेरे पास आए और कहने लगे कि जनाब अलामा साहब लोग इतने पैसे खर्च कर रहे हैं और पूरी दुनिया से ये हज के अय्याम में ये कुर्बानियाँ की जाती हैं ईद उल अज़हा पर, कितना अच्छा होता कि अगर वही पैसे हम गुरबा पे तकसीम करते, मसाकीन को देते। तो भाई मेरे भाई बात यह है कि इस्लाम एक ऐसा दीन है कि जिसने जहां जहां देखा कि यहां जरूरत है, इंसानों को जरूरत है, यहां इंसान को खुद अपनी रूहानियों से जरूरत है, इस्लाम ने हर तरीके से लोगों की जरूरियात वो पूरी की हैं। ये गुरबा पे और यतीमों मिस्किनों पर खर्च करना, ये तो कुरान मजीद में इसके लिए अलग अलग अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आयात और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अहकाम दिए हैं। एक शख्स जक़ात दे दे, जकात जो फर्ज है जकात दे, और फिर कहे कि जी मैं हज नहीं करूंगा इसलिए कि हज के पैसों से मैंने जकात दे दी। भाई हज अलहदा मसला है, जकात अलहदा मसला है, यतीमों पे खर्च करना अलहदा मामला है। तो
तो अगर कोई जिबा करता है बकरे ईद के दिन, अगर कोई हज पे जाता है हज के दिनों में और उस पे खर्चा करता है, या अगर कोई हुजूर अलैहिस्सलाम का मिलाद मनाता है, विलादत की खुशी मनाता है और उस पर चरागा करता है, जुलूस करता है, जलसे करता है और बगी को हायर करता है वगैरह वगैरह, तो ये सब काम होते हैं अगर, तो देखना यह है कि वो दुरुस्त है, उसमें कोई ममानत नहीं है। गुरबा और यतीम और मसाकीन लोगों पर खर्च फिर भी किया जाएगा और वो अलहदा किया जाएगा। आप यहां से एक अच्छा नेक काम उसको रोक कर आप चाहते हैं कि दूसरी तरफ लगा दें, तो फिर ये तो इतराज हज पे भी होगा, ये इतराज जानवरों पे भी होगा जो जिबा किए जाते हैं। फिर आप अपनी शादियों पे जो खर्च करते हैं, शादियों पे जो पाकिस्तान में लाखों करोड़ों खर्च होते हैं, वहां तो आपने कभी इतराज नहीं किया कि अच्छा होता कि ये पैसे वहां लगा दिए जाते। तो ये तो फिर यानी हमें सोचना है कि ये इतराज क्यों कर रहे हैं। इतराज इस बात, ये हमारी हमदर्दी नहीं है गुरबा के साथ, ये हमदर्दी की बात नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मिलादत मुस्तफ़ा की खुशी मनाने पर इतराज़ है हमारा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त महफूज फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे दिल के गोशों को, हमारे अकल के खानों को खोले ताकि हमें कुछ महसूस हो, कुछ हमें समझ आए कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशी मनाना कितना अजीम अमल है। तो हमारे आखिरी कॉलर हैं आज के इस प्रोग्राम में, उन्हें मैं खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।